आज हम बनाएंगे मसालेदार मोटी सिवैयां। एक बार इस तरह से सिवैयां बनाकर देखिए, मैगी नूडल्स सब भूल जाएंगे। ये बच्चों के टिफिन के लिए तो एकदम बेस्ट है। तो सबसे पहले हम सिवैयों को फ्राई करेंगे। तो मैंने आधा चौथा चम्मच तेल ले लिया है और ये मैंने मोटी वाली सिवैयां ले ली हैं, तो ये इस तरह से होती हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो हमें इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो ये एकदम से इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये जल जाएंगी। हमें हल्का हल्का इसको चलाते हुए और हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी सिवैयां भुन गई हैं, इनमें हल्का सा पिंक कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये मैंने सिवैयां निकाल ली। अब हम इसमें आधा चम्मच तेल और डालेंगे और डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच राई के दाने और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे हम, और ये 8-10 कड़ी पत्ते हैं, और ये एक डली प्याज की बारीक बारीक काट के ले लिए। प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब ये मैंने एक टमाटर ले लिया है बारीक काट के, और ये आधा चम्मच नमक ले लिया है। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे थोड़ा। ये देखिए हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब डालेंगे हम इसमें ये आधा चम्मच लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर है, और ये दो हरी मिर्च ले ली हैं। अब डालेंगे हम इसमें ये मटर, तो आधी कटोरी मटर है और आधी कटोरी से भी कम ये गाजर है बारीक कटी हुई। इसको हम हल्का सा इसमें भून लेंगे ताकि हमारे मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। डालेंगे हम थोड़ा सा पानी क्योंकि हमें मटर को हल्के से गलाना है। अब हम इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारे मटर सॉफ्ट हो जाए। अब हम चेक कर लेंगे। तो अब हमारे मटर हल्के से सॉफ्ट हो गए होंगे और इसका सारा पानी खुश्क हो गया है। अब डालेंगे हम इसमें ये गरम पानी, जितनी हमने सिवैयां ली हैं उसकी डबल ये पानी है। हमें पानी को गर्म करके ही लेना है, तो इसमें जल्दी से बॉयल आ जाएगा। अब डालेंगे हम इसमें ये फ्राई करी हुई सिवैयां। अब सिवैयां डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए इसमें अच्छा बॉयल आ गया और थोड़ी हमारी सिवैयां फूल भी गई हैं। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको कवर करके 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो कर देना है। अब 5 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए हमारी सिवैयां बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और अच्छे से ये फूल गई हैं। अब हम कवर करके इसको 2-3 मिनट के लिए और रख देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया था। ये देखिए 2-3 मिनट के बाद ये कितनी अच्छी खिल गई हैं, क्योंकि जो इसमें मॉइस्चर था वो भी सूख गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, और अब हम निकाल लेंगे इसे सर्विंग प्लेट में। देखिए कितनी अच्छी खिली खिली बनी है हमारी सिवैयां। तो ये देखिए तैयार है हमारी चटपटी मोटी सिवैयां।